यहाँ की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं की नजर। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी हम सूरजपुर जिला के तिलसिवा पंचायत में हैं, जहाँ पर कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएंगे कि यही वो स्टाफ डैम, शासकीय स्टाफ डैम है, जिसके ऊपर निजी या यूं बोले कि भूमाफियाओं का लगभग 50 मीटर का पुलिया निर्माण कर दिया गया है। कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएगा कि यह वो शासकीय स्टॉप डैम है और उसके ऊपर में ये जो पुलिया बना दिया गया है, मतलब इसके जो पानी को रोकने का जो कार्य किया जा रहा था, यहाँ के किसान लाभान्वित हो रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल किसानों के लेकर के कितना चिंतित हैं और यहाँ के भूमाफियाओं के द्वारा जो है उनके आचार विचार और उनके किए गए प्रयासों को पूरी तरह से मिटिया मेट कर देते हैं, ये धरातल स्थिति में जरूर देखने को मिलेगा। और ये जो खसरा नंबर बताया जा रहा है 1501, और इसकी भूमि है और यहीं पर जो है शासकीय स्टॉप डैम थी। यहाँ के लगभग कुल 2-3 ग्राम पंचायतें जो है इस स्टॉप डैम से लाभान्वित हो रहे थे और उसी पर भूमाफियाओं की नज़र थी। ये जो लंबी सड़क आप देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं आपको दोनों साइड इस सड़क के दोनों ओर जो है भूमाफियाओं की जो जमीनों पर कब्जा है और सिर्फ महज 100 मीटर की मुख्य मार्ग बाईपास मार्ग से लगा हुआ यह जमीन बेशकीमती है और इसी को लोग भुनाने पर तुले हुए हैं। हमारे साथ अभी इस पूरे मामले में दस्तावेजी शहीदी खोज निकाला है और साथ ही इस लाइव कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अपना नाम बताएंगे? प्रदीप अवस्थी। प्रदीप जी, ये बताइए कि ये जो जमीनों का जो यहाँ पर जो भूमाफियाओं का जो कब्जा है वो किस कदर है और क्या इसको आप समझते हैं अपने लज? यहाँ पर भूमाफियाओं का कब्जा, जो सूरजपुर के अपने आप को बहुत नेता और रसूखदार समझते हैं, उन लोगों का इतना बड़ा दहशत है कि जो सरकारी ज़मीन पे काबिज रह रहे हैं उनको भी बेदखल करके चौड़ी रोड बनवा लिए हैं, जो आपके सामने अभी दिखाया जा सकता है कि रोड को चौड़ा कर दिए हैं भूमाफिया लोग, पूरा रोड चौड़ीकरण कर लिए हैं, लोगों को खाली करवा के उनका चौड़ीकरण कर दिए हैं। और इसके बाद ये कृषि मद की भूमि है, ये तिलसुआ ग्राम पंचायत की कृषि मद में दर्ज है इस भूमि का ग्राम निवेश में, और इस भूमि को ये लोग प्लाटिंग करके बेच रहे हैं। करीब 5 प्लाटिंग करके ये लोग बेच चुके हैं। यहाँ का जो पटवारी है इन लोग ये भूमाफियाओं के इशारे पे काम करता है और प्लाटिंग करके नक्शा भी 5-5 डिसमिल का ये बेच दिया है, जबकि पटवारी नहीं कर सकता। 5 डिसमिल का जो ग्राम निवेश की ज़मीन कृषि मद में है उसको 5 डिसमिल का तो नहीं काट सकता है, बिक्री नामा नहीं कर सकता है, इसके बाद भी कर दिए हैं। ये सूचना के अधिकार के तहत में ये समस्त दस्तावेज जो कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएंगे नज़दीक से कि ये समस्त दस्तावेज को सूचना के अधिकार के तहत जो है निकाला गया है ताकि सत्यापित प्रति देखा जा सके कि सास के नुमाइंदे या बोले कि राजस्व के लोग कितने गंभीर रूप से हेराफेरी या बोला जाए कि भूमाफियाओं को शरण दे रहे हैं महज कुछ पैसों के लिए। कुछ पैसे बोलना भी मुनासिब नहीं होगा क्योंकि वो उसी से मोटे होते जा रहे हैं, शरीर से नहीं बैंक से। बताएंगे आगे का जी। इसके बाद ये जो रजिस्ट्री की गई है 165 का उल्लंघन है, इसमें ये कृषि मत की ज़मीन है, इस ज़मीन को 5-5 डिसमिल करके 8-8 डिसमिल करके प्लाटिंग करके इस ज़मीन को बेचना बहुत नुकसानदायक है और इसमें किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि ये किसान
खेती नहीं कर पा रहे हैं। जमीन को पूरा मिट्टी डाल दिया गया है, जिसमें पानी इस प्लाट से दूसरे प्लाट पानी डाइवर्ट नहीं हो पा रहा है। किसान पंप लगा के स्टाप डैम से पानी को इस तरफ से उस तरफ ले जा रहे हैं। करीब 100-100 मीटर पानी को पाइप लगा के पंप लगा के किसान लोग कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएंगे कि वही वो पंप है जिसके माध्यम से जो है किसान जो है वो अपने खेतों तक जो है पानी को ले जा रहा है। जिस तरह आपने जो सूचना के अधिकार के तहत जानकारी आई है उसमें जानकारियां मिली है, उसमें मूल क्या मतलब त्रुटियां हैं उसको? उसमें मूल रूप से त्रुटियां ये है कि उन्होंने दर्शाया है कि 165 का उल्लंघन इसमें नहीं किया गया है, और इसमें पूरी तरह से 165 का उल्लंघन है। हाँ, पांचवा यह है कि विक्रय क्रय भूमि पर किसी प्रकार की सिंचाई का स्रोत अस्तित्व नहीं है, जबकि यहाँ पर जिंदा नाला है। विकृत भूमि इसी प्लाट से निकाली गई है, कृषि भूमि में आवासीय प्रयोजन के लिए विक्रय किया गया है। तो जिस तरह आपने बारीकियों को देखा कि इन्होंने सत्यापित प्रति निकाली और अवलोकन कराया, धरातल ग्राउंड जीरो में है अभी हम, और कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएंगे आराम से उतरते हुए कि यह वो जिंदा नाला है। देखेंगे कुछ बालक भी हैं जो उस में जो है कुछ मछलियां पकड़ने का काम कर रहे थे, अभी वो कैमरा देखते ही भागे हैं। और कैमरामैन थोड़ा सा और पीछे जाएंगे आप, और ये दिखाएंगे कि इस नाले में जहां पर पुलिया निर्माण हुआ है, ठीक इसका सीमांकन जो है ये है, और ये सीमांकन से होते हुए आप देखेंगे कि ये ठीक मतलब नाले के ऊपर में जो है वो निर्माण कार्य, यानी कि निर्माण अवैध निर्माण किया जा रहा है। न ही इसकी जानकारी पटवारी के पास है, न ही तहसीलदार, एसडीएम, और कुंभकर्णीय निद्रा में यह बोला जाए राजस्व के आला अधिकारी हैं। यही नहीं, मामला और गंभीर है। यहां पर सिर्फ एक ही मामला भू माफियाओं का नजर नहीं आ रहा है, यहां पर हमने दिखाया कि किस तरह सिंचाई वाले क्षेत्र को बंद कर दिया गया, वहां पर उसके ऊपर जो है निजी पुलिया निर्माण कर दिया गया। जब एक पुलिया निर्माण जो होता है कम से कम 50 मीटर का, वो कई लाखों में जाता है, कई लाखों में सिर्फ ये पुलिया निर्माण करके दे रहे हैं, तो कितने करोड़ की भूमि हो सकती है, अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस ग्राम के सरपंच, जो इसके बारे में बताएंगे कि आखिरकार ये जो सिंचाई की सुविधा है कितने वर्षों पहले जो है स्टाप डैम का निर्माण कराया गया था, और वास्तव में है क्या मामला। ये जो स्टाप डैम नजर आ रहा है, जो शासकीय स्टाप डैम जिसके ऊपर निजी पुलिया बनाया गया है, ये बताइए कि ये लगभग कितने वर्ष पहले का है स्टाप डैम? ये 25-30 साल से पहले का। अच्छा, 25-30 साल पहले, मतलब उस समय जो है ये शासकीय भूमि हुआ करती थी, अब जो है भूमाफियाओं के अंधाधुन खसरा रकबा नंबर की फेर बदल से जो है शासकीय भूमि अब जो है निजी भूमि में तब्दील होती नजर आ रही है। ये बताइए कि ये जो स्टॉप डैम थी, यहाँ से कितने किसान जो है लाभान्वित हो रहे थे, या फिर बोला जाए कि कितना हेक्टेयर लगभग की भूमि को लाभान्वित किया जा रहा है? 25-30 किसान लाभान्वित हो रहे थे नाला से, और भूमि लगभग 20-30 एकड़ होगा। जो सूरजपुर के वर्तमान कलेक्टर हैं, उनको सिर्फ यहीं तक नहीं हम दिखाएंगे भारत सम्मान के लाइव के माध्यम से, अभी हम उन जगहों तक जरूर पहुंच करके वो सारी चीजें जो है स्पष्ट ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे कि अंततः राजस्व विभाग
भू माफियाओं के सामने आखिरकार क्यों नतमस्तक हो गई है और आखिरकार क्यों ऐसे सिर्फ दिखावे की कार्यवाही गरीबों मुस्लिमों के ऊपर ही हो रही है, गरीब किसानों के ऊपर हो रही है, गरीब मजदूरों के ऊपर हो रही है और भू माफियाओं को की चांदी हो रही है। अभी हम एक दो जगह और जाएंगे और रास्ते में ट्रेवलिंग भी होगा, लाइव कटेगा नहीं, लाइव जो है वो चलता रहेगा, दिखाएंगे हम। चूंकि राजस्व को इतनी बड़ी हेराफेरी है, मामला लंबा है, बड़ा है, तो इसीलिए जो है हम जो है एक साथ तीन मामलों को दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। कैमरामैन आगे वाले सीट में बैठ जाएंगे। वाहन जो है थोड़ा सा धीमा चलाएंगे ताकि हम उक्त जगह में जो है कैमरामैन हम मोटा मोटी जानकारी चाहेंगे आपसे कि वास्तविकता में जो भू माफियाओं की जो हमारे साथ मौजूद है अभी सामाजिक कार्यकर्ता एएन पांडे और अभी हम सूरजपुर में स्थित जो नाले की या बोला जाए कि स्टॉप डैम की जो हमने तस्वीरें जो है लाइव के माध्यम से दिखाई उसमें बताएंगे कि त्रुटियां कहां तक की है और प्रशासन को किस तरह की पहल करने की आवश्यकता है। हाँ, अभी तो पूरा आप लाइव दिखा ही रहे हैं, एक जिंदा नाला को किस तरह से नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नरवा गरुआ घरुआ बाड़ी दे रहे हैं, लोगों को सिंचाई की सुविधा, पानी पीने की सुविधा, माल मवेशी की सुविधा हो, लेकिन स्टाफ डैम जिस पर बना हुआ है, स्टाफ डैम निश्चित रूप से सभी को मालूम है कि स्टाफ डैम शासकीय भूमि पर बन सकता है, शासकीय निर्माण शासकीय भूमि पर होगा। तो जब शासकीय भूमि पर 25, 30, 32 वर्ष पहले वो स्टाफ डैम बना हुआ है, उसी पर अब जब वो शासकीय भूमि था तो अब निजी कैसे हो गया और उस पर पुलिया बन गया, 40-45 फीट चौड़ी अब सड़क बन रही है, आगे जाकर जमीन को बिक्री कर रहे हैं। उस जमीन को भी आप देखे होंगे जो अभी रजिस्ट्री 5 सामने आई थी, 5 डिसमिल की थी, 6 डिसमिल की, 8 डिसमिल की, 5 रजिस्ट्री अभी आई थी और सभी में यह लिखा हुआ है कृषि के प्रयोजन के लिए कृषि भूमि है। अब आप बताइए क्या 5 डिसमिल में कौन सा खेती होगा, गन्ना लगेगा, मिर्चा लगेगा, कौन सा कितना बड़ा खेती होगा? क्या कृषि भूमि 5 डिसमिल में होती है? तो कृषि भूमि बिल्कुल नहीं है। ये सुनियोजित तरीके से कॉलोनी बसाई जाएगी, एक ही व्यक्ति प्लाट ले रहा है 5 डिसमिल का, इसके पीछे क्या कारण है? तो ये सब अरबों खरबों की धंधा चल रही है, ये तो बहुत कम है। अभी आप आओ चलिए, क्या नजूल, क्या शासकीय, क्या छोटे झाड़ की जंगल, यहाँ तक कि बड़े झाड़ की जंगल जो है उस पर भी न पट्टा दे दी जा रही है, किस तरह से बेच दी जा रही है। अभी एक बड़े झाड़ का जंगल हम आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल जो है हम बात करेंगे कि अभी कुछ समय पूर्व जो है मतलब कुछ मजदूरों का जो है आवास बना हुआ था और उस पर जो है उन गरीब मजदूरों मतलब उन गरीब किसानों या मतलब मजदूरों का जो आवासीय बना हुआ था, छोटे छोटे मकान बने हुए थे, उस पर बुलडोजर चलाते हुए प्रशासन एक मिनट भी चूक नहीं की है। और यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे कि जिसका पुरजोर विरोध कुछ समय पूर्व लगभग एक महीने के विरोध के बाद मतलब आंदोलन के बाद उसका समस्या का समाधान नहीं निकाला गया, उस समय उनको बेघर किया गया, जिस समय कड़ाके की ठंड थी और अविभाजित सरगुजा की ठंड
पूरे प्रदेश में चर्चित है। मतलब यूं कहें कि भू माफियाओं को शासकीय जमीन खरीद फरोख्त करने का एक लाइसेंस मिला हुआ है, और ये जो टूटे हुए मकान और गिरे हुए सीट टुकड़ों में तब्दील ये जो ईंट है वो चीख चीख के बयां कर रही है कि यहाँ पर लोग छोटा सा आसियाना बनाए हुए थे और उसे एक पल में धराशाही कर दिया गया है। वर्तमान कलेक्टर को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कल के डेट में लहूलुहान किस कदर खून पसीने से सींच करके मजदूरों के द्वारा जो बनाया हुआ मकान को पल भर में छिड़ कर दिया गया, तोड़ दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ग्रामीण या महिलाएं हैं जो यहाँ पर रहती थीं और छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे जगहों में छोटा छोटा आसियाना बना करके थी। थे तो इस बारे में जानकारी देंगे। आओ हम बताओ, क्या नाम है आपका? आरती जी। आरती जी, ये बताइए कि यहाँ पे आपने, आप कितने वर्षों से घर बना के रह रहे थे? 40-50 वर्षों से। तो ये क्या बोल करके कार्रवाई हुई है यहाँ पर? बोल रहे थे कि ये सास की जमीन है ऐसे, इसलिए। हाँ, बोले कि यहाँ पर स्कूल स्कूल बनेगा। अच्छा, सास की जमीन है, स्कूल बनेगा। एक तरफ घोषणा पत्र में कांग्रेस मतलब भूपेश सरकार ये बोलते हैं कि जो वर्षों से किसी जमीन पर काबिज है या घर मकान बाड़ी बना करके रह रहा है उसे शासकीय पट्टा देने की बात कही जा रही है, कितने को मिला भी है, कितने लाभान्वित भी हुए हैं, और एक तरफ उसी चीज़ों को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है कि दूसरी ओर बुलडोजर चलाते हुए भी उनके, मतलब उनके जो हाथ हैं वो डगमगाए नहीं। और यहाँ पर और लोग हैं जो, थोड़ा सा साइड देंगे, यहाँ पर और लोग हैं, चलने में थोड़ा सा समस्या हो रही है क्योंकि यहाँ पर घर था। इधर आ जाएंगे, अपना नाम बताएंगे। सुषमा। ये बताइए कि आपके पूर्वजों लोग यहाँ पे कितने समय पहले जो है घर बनाए हुए थे? बहुत सालों से। लगभग कितने वर्षों से? लगभग 80-90 साल से। तो ये बताइए कि क्या बोल करके यहाँ तोड़ दिया गया इस घर को? इसको बोले कि स्कूल बनाएंगे और खेल कूद, बोले बच्चे लोग को खेल कूद। तो आप लोग का अल्टरनेट कोई व्यवस्था बनाया गया? नहीं बनाए। नहीं बनाए? नहीं। ये देखिए, ये किसी तरह जो है गिरते पड़ते आ रहे हैं अभी पीड़ित, किसी तरह जो है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। असुविधा के लिए खेद है, यहाँ पर जो स्थिति है वो थोड़ा ऊंच नीच है, किसी तरह कैमरामैन के हाथ से जो है कैमरा छूट गया था। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एक बुजुर्ग महिला जो आपको बता, यहीं पे खड़ा रहिएगा, उधर गिर जाइएगा। नहीं गिरूंगा। नहीं गिरेंगे। चलिए बताइए, आपका नाम क्या है? हाँ, ये जो जगह जो आपकी टूटी हुई है उसके, मानकुंवर थे जी? मानकुंवर। मानकुंवर। हाँ। कितने साल से आप यहाँ काबिज थे? बहुत साल के। बहुत साल। तो क्या बोल करके प्रशासन के द्वारा जो है तोड़ दिया गया? अब वो जाने, अब तो आजकल तो नवा नवा आवत है, नवा नवा घुस सिखाते हैं, खराब है, कैसे लड़का है, 20-40 थे मोर लड़का रही, हो तब कह दी है ना, अब यही थे पैदा हुआ है। मानकुंवर जी का कहना है कि हमारे पूर्वज सहित हम यहीं पे पैदा हुए हैं और आज जो है ये घूस लेने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है, और इस मुहिम में या इन लोगों का जो है साथ देते हुए इस आंदोलन को तेज करने में सहभागी हुए थे,
हमारे साथ मौजूद हैं, नाम बताएंगे अपना। सूरज लाल रवि। सूरज जी ये बताइए कि आप जो इनके मुहिम में या इनका साथ जो दिए थे उस समय क्या आप स्थितियां निर्मित हुई थी? सर मैं वैसे सूरज मजदूर किसान जन कल्याण समिति का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। एक दिन मैं जब अचानक इस तरफ निकला तो देखा इन लोगों का घर में कि तहसीलदार SDM आके तोड़ रहे हैं और शशि मैडम भी आई थी। तो हम लोग निवेदन भी किए कि देखिए अभी ठंडी का दिन है साहब, इनको समय दिया जाए। नोटिस दिए हैं, 3 दिन का दिए हैं, नोटिस सही नहीं है, घर में हैं नहीं हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। बोले आप ज़्यादा जानते हैं, यही पुष्पेंद्र शर्मा बोले थे, आप ज़्यादा जानते हैं, देंगे ना ठिकाना आ जाएगा। देखिए क्या है, ये शब्द इनके नहीं थे, जैसा भी हो हम कभी भी जो है अब शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं लाइव के माध्यम से, हमेशा इस बात का हम खंडन करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि जो बताएंगे कि उस समय जब परिस्थितियाँ जब टूटी हुई थी इनके घरों, तो इनको किस तरह जो है आंदोलन में समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस कदर जो है इनको घर से बेघर कर दिया गया था। कितने परिवार थे यहाँ पर? यहाँ 3 परिवार थे। 3 परिवार थे, तो उनके साथ में कब और क्या कैसे घटना हुई थी? इनका अचानक से आए प्रशासन के लोग और घर को तोड़ दिए, अचानक कार्रवाई किया गया इनके ऊपर। इनका कुछ व्यवस्था तोड़ने के बाद नहीं किया गया और सूचना भी नहीं दिया गया। लगभग 40-50 वर्षों से घर बना के रह रहे हैं, उनका व्यवस्था भी ये जो विरोध किए थे कितने दिन लगभग आंदोलनरत थे उस समय टेंट लगा करके इस टाइप का? 24 से 25 दिन हम लोग आंदोलन किए, आंदोलन में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आश्वासन दिए और आश्वासन के बाद भी कुछ उसका कार्रवाई नहीं हुआ। यह जो भू माफियाओं का जो आतंक है सूरजपुर में, ये ग्राउंड जीरो से इसलिए हम दिखा रहे हैं कि एक तरफ भू माफिया अपने अंजाम को किस कदर, मतलब अपने खरीदे हुए जमीन या फिर अवैध काबिज हो उन सारी जमीनों पर कैसे भू माफियाओं की नजर रहती है और शासकीय जमीन कैसे निजी हो जाता है और उनके जो उनका जो दस्तावेज निकाले हैं और सारा केस जो लड़ रहे हैं वो सारी जानकारी हम देंगे। हमने बताया था आपको कि लाइव में हम 3 जगह जाएंगे। पहला आपने देख लिया कि उस जगह पर जो है शासकीय स्टॉप डैम रहते हुए निजी पुलिया का निर्माण होना बताया गया और वहां पर आक्रोशित जनता ने भी बताया कि यहां से जो है उस सिंचाई के माध्यम से 25-30 किसान जो है लाभान्वित होते थे। और अभी हम उस जगह पर जा रहे हैं जिसे शासकीय जमीन बताया जाता है और भू माफियाओं की नज़र जो है उसमें पड़ी है और वह जो है निजी भूमि हो गई है। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं कि वो राजस्व की जमीन नहीं, केंद्र की जमीन जिसे निजी भूमि बनाने में कोई कसर भू माफियाओं के द्वारा नहीं छोड़ी गई है। और उस जमीन के बारे में अधिक जानकारी हमको हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता एन पांडे बताएंगे। ये जो जमीन अभी जो हम आखिरी जगह जो जा रहे हैं अभी महज कुछ दूरी में है, उसके बारे में आप बताएंगे, उसके बारे में आप बहुत रिसर्च किए हैं और जी वो बता रहा हूँ। अभी तो आप जो यहाँ से सेकेंड पॉइंट से उठे हैं, जी मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा, ये बता भी नहीं पाए बेचारे लोग। मतलब एक तरफ भू माफियाओं का, अभी तो मैं पूरा बताऊंगा ही, कितनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, पूरा का पूरा शासन प्रशासन उनके कब्जा में है। और दूसरी तरफ देखिए ये लोग जब इनका एक तो घर गिरा दिए, उसका विस्थापन का कुछ भी नहीं दिए, ना कोई व्यवस्था किए, जिनके खिलाफ जब बेचारे मजलूम गरीब बेघर बार हुए, सड़क पर बैठ के आंदोलन किए, शासन से कुछ मांग किए, तो इनके ऊपर और इनके साथ जो समाज सेवी इनका सहयोग किए,
सभी के ऊपर अपराध पंजीबद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, मामला फिर समाप्त हुआ, शासन ने वापस लिया, लेकिन गरीब अगर कोई भी मुद्दा उठाए या सही जगह भी है तो उसे शासन इस तरह से परेशान कर दे रही है शासन प्रशासन। और एक तरफ रसूखदार पूरा का पूरा भी जो आप बता रहे हैं जहाँ हम चल रहे हैं, नजूल भूमि, शासकीय भूमि ये जो है सो है, छोटे झाड़ का जंगल भी कोई नहीं कब्जा कर सकता, लेकिन बड़े झाड़ का जंगल सोचिए, उसमें तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति का वन विभाग भी नहीं घुस सकता। काटना होगा तो केंद्र और राज्य दोनों की सहमति मिलेगी, राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे तब घुसेंगे। उस बड़े झाड़ के जंगल की भूमि को रसूखदारों ने क्या कब्जा कर लिया। एक है हरिचरण नाम का व्यक्ति उसका पट्टा बनवाता है, वो क्या बनवाएगा, रसूखदार लोग मिलके बनवा दिए उसका, देखिए इनका कैसे चलता है धंधा। तो हरिचरण का 3-4 एकड़ का पट्टा बनवा दिया, खसरा नंबर और रकबा नंबर, हाँ उसका खसरा नंबर है 1322 और 1323, ये दोनों बड़े झाड़ का जंगल है, बहुत बड़ा प्लाट है जी। अब बड़े झाड़ का जंगल दर्ज था 1962-63 में, इसे कई टुकड़ों में इस भूमि को किया गया शासन की तरफ से जो समय समय पर होता है जी। तो 1322 1323 बटा 5 हुआ जो शासन का के तरफ से श्मशान की भूमि दर्ज की गई, श्मशान बोला जाए, हाँ श्मशान भूमि। आप बताइए, एक तो बड़े झाड़ का जंगल, ठीक है अगर वो दूसरे मद में दर्ज भी हुआ तो श्मशान की भूमि हुई, उस श्मशान की भूमि अभी जो आप देखेंगे उस श्मशान की जमीन की ये हरिचरण साहू को के नाम से कैसे चढ़ जाता है पहले ये देखना पड़ेगा। फिर हरिचरण साहू, आदर्श कुमार तिवारी, अमित कुमार अग्रवाल, अजय अग्रवाल, श्रवण कुमार जैन और महेंद्र गुप्ता पटवारी, ये आपस में मिलकर उस जमीन का इन लोगों से, हरिचरण साहू जो है ये सबसे मिल के जमीन को बेच देता है, एग्रीमेंट करता है, और ये लोग उसको 25 टुकड़ों में अब तक बेच चुके, मतलब करोड़ों का खेल हो रहा है इसमें। अब ये जो भूमि है हाँ। वो बताई जाती है कि जो पुराना बस स्टैंड था उसके नजदीक की भूमि, हाँ, मतलब हाँ, बस स्टैंड से वहां से कुछ दूरी में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जिला मुख्यालय सोचिए, जिला मुख्यालय मतलब जिला प्रशासन के नाक के नीचे ऐसी काम हो रही हो, और जिला प्रशासन स्वयं से जिस पर संज्ञान लेना चाहिए था नहीं लिया। हमने 2016-17 में लिखित शिकायत दिया कलेक्टर महोदय को, और 2010 का मैं मंत्रालय का एक आदेश भी दिया जो इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि इस तरह की भूमि की अंतरण या हेरा फेरी जिन लोगों द्वारा भी की जा रही हो जिस जिले में, सभी कलेक्टरों को लिखा गया था मंत्रालय से, तो भूमि का हेरा फेरी करने वाले लोगों के साथ साथ उन राजस्व अधिकारियों के ऊपर भी कलेक्टर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसे अपराध पर अंकुश लग सके जी। मैं इन सब का हवाला देते हुए कलेक्टर महोदय को 2016 में दिया, अब उन्होंने दे दिया SDM को जांच में, जिस पर तत्काल उनको संज्ञान लेना चाहिए था न लेके दे दिए SDM को, SDM को प्रकरण चलाए, इसके बाद वो तहसीलदार से जांच करवाए, तहसीलदार दे दिया आरआई को, आरआई दे दिए पटवारी को, अभी घूमते घूमते आज देखिए 5 साल हो गया, पांच साल के बाद अब जो पटवारी आरआई रिपोर्ट दे रहे हैं उनका रिपोर्ट ये है कि तहसीलदार द्वारा पट्टा दिया गया था 91-92 में जी। किसको, हरिचरण साहू को, हरिचरण साहू उसी SDM कार्यालय में हमारे इसी प्रकरण में जिसका शिकायत किया हूँ वो जाके बताता है कि हमको सिंहदेव योजना से पट्टा मिला था। अब ये बताइए कि एक ही जमीन का दो पट्टा कैसे होगा, मतलब एक जमीन का दो पट्टा, हाँ वो बता जो जिसका है, हरिचरण साहू बताता है कि सिंहदेव पट्टा मिला है, लेकिन राजस्व अधिकारी बता रहे हैं कि नहीं ये तो तहसीलदार ने इनको पट्टा दिया है। अच्छा, तो इतनी बड़ी धंधा है ये, अब आप स्वयं से अंदाज लगा लीजिए, और लास्ट में वो लोग क्या किए, इस तरह से गोल मोल घुमाते हुए
हाँ इतना लिखे कि धारा 165-66 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। तो जब ये रिपोर्ट आ गया इसके बाद फिर चला गया कलेक्टर साहब के पास। अब वहाँ फिर देखिए यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ घूम रहा है। अभी वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति है कि इसमें आदेश होना है। अब आदेश में है कि जब जा रहे हैं तो नहीं से वो पार्टी नहीं आया है, अभी वो पार्टी नहीं है, तो ऐसी बढ़ा दी जा रहा है। आज तक इसका अब 2 साल से आदेश में है। जब सारा रिपोर्ट चला गया पार्टी जाए या न जाए, अब तो कलेक्टर महोदय को स्वयं से संज्ञान लेकर गुण दोष के आधार पर भूमि को खाली कराना चाहिए, राज साथ कर लेना चाहिए। जिस अगर उसको पट्टा भी बताया जा रहा है तो आप खुद सोचिए कि जो पट्टे की भूमि दी जाती है उसमें शर्त रहती है कि पट्टा का जमीन जीने खाने के लिए घर बनाने के लिए दी जा रही है, न कि बिजनेस के लिए। या फिर उसने कोई परमिशन लिया बेचने से? नहीं नहीं, वो तो स्पष्ट अब तो जांच रिपोर्ट भी दे दिए ना। जी जी, हराई पटवारी तहसीलदार SDM सभी ने इस बात का रिपोर्ट दे दिया कि धारा 165-66 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया, मतलब कोई परमिशन नहीं लिया गया। जब ऊपर एक तो शासकीय भूमि बड़े झाड़ की भूमि, वो कैसे वैध या अवैध पट्टा कराया वो तो मुद्दा है ही है। इसके बाद वो फिर बेच भी कैसे दिया, और वो जिसको बेचा जी। वो कई लोगों का मतलब व्यवसाय आज 25 लोगों से बेच चुका है, मतलब करोड़ों रुपया का धंधा हो रहा है। तो धंधा चल रहा है तो बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा है, लेकिन ऐसे व्यवसाय पर अभी जो आप तत्काल अपने आँख से देख के आ रहे हैं 2 मिनट पहले कि एक गरीब की झोपड़ी उजड़ जाती है लेकिन करोड़ों की धंधा कभी मंदा नहीं पड़ता, इस पर रोक अभी तक नहीं लग पाया। अब ये दौड़ने शिकायत करने वाला ही थक जाएगा। अब आदेश पर है, अभी वो नहीं आ रहा, फिर से नोटिस काट दो। मेरा कहना है शासन प्रशासन आपको स्वयं से संज्ञान लेकर ये करना चाहिए। और जो भी ये स्पष्ट है कि इसमें राजस्व अधिकारी मिले हुए हैं, पटवारी मिले हुए हैं, जो मिले हुए हैं उन राजस्व अधिकारियों पर मंत्रालय के दिशानुसार एफआईआर दर्ज कराना चाहिए जिला प्रशासन को। वर्तमान में हमारे कलेक्टर महोदय आए हैं, बड़ा संवेदनशील है। लाइव को कटेड नहीं बनाना चाहते थे हम, पर तीन पहलुओं पे इसलिए हम नजर एक साथ डालना चाहते थे या आपका ध्यान केंद्रित इसलिए एक साथ करना चाहते थे ताकि आप जाने कि भू माफियाओं का किस कदर जो है सूरजपुर में नजर है, या बोला जाए कि बेस कीमती पर नजर है, बेस कीमती भूमि पर नजर है, जो कि इतनी बड़ी या इतने महंगे जमीन को जो है, बेस कीमती जमीन को जो है, किसी तरह इन तीन प्रकरण साठ गांठ करते हुए जो है बेच दिया जा रहा है, धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। ये जो जो इस जमीन की जो आगे की जानकारी जो है देंगे, अरे ये बताइए कि ये जमीन जो है किस सन में जो है उनको ऐसा देना बताया जा रहा था? इनको तो देना बताया जा रहा है 1990-91 में। जी जी, अब सच्चाई क्या है ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि एक तरफ हरिचरण साहू बताता है कि हमको मिला है सिंहदेव योजना से पट्टा जी 75-74 में जी। दूसरी तरफ शासन के जो नुमाइंदे हैं राजस्व अमला, वो बता रहे हैं कि नहीं इसको 91-92 में मिला है, तहसीलदार द्वारा पट्टा दिया गया है, और तहसीलदार से पट्टा लेने के बाद 2010 में ये विक्रय करना शुरू कर दिए। तो इस खेल में हरिचरण साहू जो देखने में आ रहा है, हमने जो अनुभव किया, हरिचरण साहू तो एक मोहरा है। हरिचरण साहू मतलब उनके पीछे कुल मिला के ये बोला जाए कि भू माफियाओं का जो है स्पष्ट रूप से जो हाथ है जी, जो जिसके कारण जो है इतनी बड़ी वारदात को, या बोला जाए कि इतनी बड़ी धंधा चलाया जा रहा है, इतने बड़े पैमाने पे धंधा चल रहा है, भू माफिया का धंधा चल रहा है। अब इसमें भाई अब सबसे बड़ी बात ये आती है जी, चाहे कांग्रेस हो या BJP हो जी, मतलब जो गलत काम कर रहा है, भू माफिया के सेहत पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, इनके कारनामों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, गरीब पर भरे फर्क पड़ रहा है। अभी जैसा कि अभी देखे कुछ समय पहले जो है कि भले ही कितने बड़े मतलब बड़े लोग जो है बड़े बड़े भूमि को अपने नाम करा लें, एक मिनट
हाँ, उन पर कार्रवाई के नाम पर कागजी घोड़ा दौड़ते रहेगी। हाँ, और ये जब बड़े लोग या भूमाफियाओं के ऊपर जब कार्रवाई की बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ेंगे, कागजी जो है कार्रवाई की जाएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी हम ग्राउंड जीरो से सिर्फ ये दिखाना चाहेंगे कि नाला जो है नदी में जाके खत्म हुआ था, अपने भूमाफिया अपने खेत में डाल रहे हैं अभी, नाला पूरा बंद करके सामने से। ये जो जिंदा नाला है इसके बारे में बताएंगे पांडे। ये जिंदा नाला है जी। जिंदा नाला का अस्तित्व संकट में, क्या अस्तित्व लगभग मिटा दिया गया है जी। ये सीधा नदी में जाती थी और इसी के कारण ये अपना, ये सब उनका व्यक्तिगत निर्माण है जी। आज बड़े झाड़ का जंगल है यहाँ से नहीं, बहुत दूर से लेके बहुत दूर तक ये धड़गांव तक चला जाएगा जी। इसी में काट के स्मशान का क्या क्या दिए थे साइड में, लेकिन देखेंगे पूरे बड़े झाड़ का जंगल 25 टुकड़ों में बिक चुका। और जो हरिचरण साहू जिस गरीब को पट्टा दिया गया, मान लीजिए बेचारे हम मान लें कि बहुत गरीब थे, उनको पट्टा दिया गया, जिनके द्वारा बेचे गए जमीन पर करोड़ों का धंधा हो चुका, उन्हें अभी अभी साल भर पहले प्रधानमंत्री आवास भी बेचारे को मिला है। अब वो आवास जाके देखिएगा करोड़ों का आवास बन रहा है। मतलब हरिचरण के नाम से भी भूमि बताया जा रहा है पर लाभांवित वो खुद भी नहीं है, नहीं। ऐसा कुछ है। हाँ, वैसा नहीं है, लेकिन अब जैसा ये एक तब फिर भी वो गरीब है, करोड़ों का धंधा हो गया फिर भी वो गरीब का गरीब रह गया। और उसे देखिए कि रसूखदारों या भूमाफिया के कृपा दृष्टि से प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया। अभी जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है वो प्रधानमंत्री आवास है। आप सोचिए प्रधानमंत्री आवास 2,30,000 का होता है, आप यहीं से अगर देखेंगे तो कितनी बड़ी भूमि वो है, कम से कम 50,00,000 की लागत से बन रहा है जी। जी, मतलब तो, शासन की योजनाओं का भी दुरुपयोग किया जा रहा है सब। क्या बोले कि जो पात्र हितग्राही होना चाहिए, जिसे मिलना चाहिए वास्तविकता में, उसे न देकर के किसी और। वो तो पूरे मुद्दे पर अगर देखेंगे तो पूरा शहर में, मतलब मेरा ख्याल से 80% जी, तो जो भी योजना है चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना ही क्यों हो, अपात्र लोगों को दिया जा रहा है, अपात्र लोग आदमी बनते हैं। किस भवन के बारे में आप जो है उल्लेख कर रहे थे उसका? ये सामने जो दिख रहा है, कैमरामैन आर मुन्ना जो है जूम इन करके दिखाएंगे कि ये भवन जो है वो जिसमें सामने झोपड़ी जैसा दिख रहा होगा, वो झोपड़ी नहीं है, रोड में महल है सामने जी। जी, वो सड़क जो जाती है जिसमें हम लोग अभी आए जी जी, और अभी इधर देखने के लिए एक झोपड़ी लग गया जी। जी, जैसे बहुत बड़े कहीं बगान में देखेंगे तो इतना बड़ा जूता टांग देते हैं कि नजर न लगे, वो नजर न लगे इसलिए झोपड़ी एक बांस से अड़के लगा दिया गया जी। जी, तो इस अब वो बताइए वो 2,00,000 का है प्रधानमंत्री आवास। इस भवन का जो लागत बताया जा रहा है, अनुमानित लागत बताया जा रहा है 30 से 40 लाख रुपए, और उसे जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभांवित हितग्राही माना जा रहा है जी। जी, क्योंकि सूरजपुर के मामले में, मतलब सूरजपुर किस तरह के कारनामे कर रहा है, सूरजपुर जिला अपना कैसे कैसे लोग गुल खिला रहे हैं, इस बात के क्रम में वो आ गया। नहीं तो मेन अपना टारगेट है कि भू माफिया। अब जिस भूमि पर हम चल रहे हैं ये सब वही है, बड़े झाड़ का जंगल एक लाइन से जो बिक चुके हैं। एक कहावत याद आ गई कि अभी जैसे ही हम शमशान के करीब पहुंचे ही थे तो उधर से बड़ी ठंडी हवा से आ रही थी। हाँ। और या बोले कि जिस जगह अच्छे खा ठंडे पड़ जाते हैं आते आते। हाँ। तो उस जगह से ठंडी हवा का आना लाजमी है, ये बोला जा सकता है। तो इसी क्रम में हम जो है भूमाफियाओं पर कड़ी नजर बनाए रखेंगे। हमने 3 का 3 जगह को जो है आपसे अवलोकित कराया, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में आपके सामने रखा कि किस तरह स्टॉप डैम यानी कि शासकीय जो 25-30 साल पहले जो है शासकीय स्टॉप डैम के ऊपर, अब आज वो प्राइवेट कैसे हो गया, शासकीय जो स्टॉप डैम है उसके ऊपर जो है प्राइवेट पुल बना दिया गया, किस तरह जो है एक गरीब मुस्लिमों के ऊपर उनके मकानों के ऊपर जो है बुलडोजर चला दिया गया, दूसरी तीसरी जो है खसरा नंबर रकबा नंबर बताएंगे इसका 1322-1323। अब ये देखिए प्लाटिंग किया हुआ है सब, यही और पट्टा की जमीन है, बड़े झाड़ की जंगल है, अब ये सब बिक चुका है, बड़े झाड़ के जंगल की जमीन को जो है सड़क से सटी हुई है। स्पष्ट देखा जा सकता है कि पक्की सड़क से सटी हुई भूमि को अवैध प्लाटिंग या अवैध कब्जा करके जो है प्लाटिंग करके दस्तावेजों में अपने
नाम करवा करके जो है किस तरह से जो है। और यही मकान है सामने और सड़क किनारे सब बेच दिए, मतलब ये एग्रीमेंट किसी वो खुद से नहीं बेच रहा है, वो ये दो तीन लोगों को बेच चुका है और वो लोग जो रसूखदार और नेता लोग हैं वो बेच रहे हैं प्लाटिंग। इस तरह हम एक बार में तीन जगहों को इंगित करते हुए हम ये सारे के सारे कारनामों का खुलासा करते आए और आगे भी करते रहेंगे। इसी तरह के लाइव वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान। अगली कड़ी में माफ कीजिएगा, मैं हमेशा जो है अंतिम वाक्य मेरा होता है, लेकिन अगली कड़ी में या अगले लाइव वीडियो के माध्यम से ये हम जरूर बताएंगे, इनका पोल खोल कार्यक्रम करेंगे, इनके जो अंदरूनी जो किस्से हैं उन्हें आपके सामने उजागर जरूर करेंगे। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान। उन पुलिस अधिकारियों से जो आपराधिक किस्म के हैं, भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।